ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर के बुक से एक्सरसाइज 31 का सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसका एक्सरसाइज भी जो है बहुत ही मजेदार है। चैप्टर का नाम है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आपको चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा कि क्या है। राइट डाउन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ दीज वर्ड्स। इसमें कह रहा है कि मतलब कि जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारा टॉल, जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम लोगों को लिखना है। टॉल, टॉल का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है आपका टॉलर। काफी ज्यादा इजी है टॉलिश, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाला भी चीज है। आगे चलकर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि इस तरह से उनका डिग्रीज नहीं बनते हैं। यंग है उसके बाद, यंग का भी केवल इसी तरह से होगा, एकदम इसी तरह से जैसे यंग, यंगर और यंगेस्ट, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले आएंगे। उसके बाद है हाई, हाई का कौन हाइयर और हाईएस्ट, हाई हाइयर और हाईएस्ट। उसके बाद है आपका वाइज, वाइज का होगा वाइज, वाइजर, वाइज। सेम इसी तरह इसी प्रोसेस से आपको वाइज का ये बनाना है। उसके बाद है वाइट, वाइट का होगा वाइटर, वाइटेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। उसके बाद है आपका रेड, रेड का इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि इसका ये होगा, लेकिन जी नहीं, इसका ये नहीं होगा। इसमें आर ई डी लिखने के बाद एक और डी आएगा, फिर ई आर होगा। उसी तरह से इसमें आर ई डबल डी ई एस टी, रेडेस्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे बीगर, बिग का आपको रहता है बीगर और बिगेस्ट। बहुत ही इजी है लेकिन उसको थोड़ा कंफ्यूज करने वाले। बीगर और नेक्स्ट है आपका बिगेस्ट। उसके बाद है हैप्पी, हैप्पी और हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पीयर और हैप्पीएस्ट। उसके बाद है, हाँ एक गलती हो गई हमसे, डबल पी यहां पर होगा, जैसे कि जेड में किए थे, बीग में किए थे। अब उसके बाद है इजी, इजी का भी बहुत इजी है। देखिए वर्डी से समझ में आ रहा है, इजी का होगा इजी, इजियर, इजीएस्ट। देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चैप्टर बहुत ही आसान है, तो हम आपको ये बोले कि आप जाकर उस चैप्टर को एक बार पहले पढ़ लें, फिर इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करें। इजियर, इजीएस्ट। उसके बाद है आपका ब्यूटीफुल, जी हाँ ब्यूटीफुल। आप इसका क्या सोच रहे हैं कि ब्यूटीफुलर होगा, ब्यूटीफुलेस्ट होगा, तो जी नहीं, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें आपका मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटी, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए इसमें वो क्या करना है, जो यहां पर आपको जो मेन वर्ड है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, इसके पीछे कॉम्परेटिव डिग्री में आपको मोर लगा देना है, और वही सुपरलेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल के पीछे मोस्ट लगा देना है, तो वो आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, और अगर मोर लगाएगा तो वो बनेगा कॉम्परेटिव डिग्री। तो ये सारे भी करना है, तो सबसे ईजी तो यही होगा। उसके बाद है यूजफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, ये भी सेम, ये भी मतलब सेम उसी प्रोसेस से बनेगा।
मोस्ट यूजफुल। उसके बाद है डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, जो आपको हम पहले बता दें कि केवल मोर और मोस्ट लगा देना है, मोस्ट डिफिकल्ट। आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा इजी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केयरफुली। केयरफुली कौन हो जाएगा, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, देखिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं टॉल का। मोहन इज टॉल, मोहन लंबा है, मोहन इज टॉलर देन श्याम, ठीक है, तो मतलब कि मोहन जो है वो श्याम से ज्यादा लंबा है। मोहन इज टॉलेस्ट इन द क्लास, मतलब कि मोहन पूरी क्लास में सबसे लंबा है। ये हो गया आपका एग्जांपल। अब आते हैं क्वेश्चन पे, केयरफुली के बाद है गुड। गुड, आप सोच रहे हैं कि इसका मोर गुड, मोर मोस्ट गुड नहीं होगा, गुड का होगा आपका बेटर और बेस्ट। उसके बाद है बैड, मच बैड, पहले बैड का देखेंगे क्या है। बैड का जो आपको हो जाएगा वर्स्ट, इसका भी पूरा का पूरा चेंज है, उसके बाद हो जाएगा वर्स्ट कुछ इस तरह से। उसके बाद है मच, मच मोर, मस्ट, मच मोर और मोस्ट होगा, मस्ट नहीं बल्कि मोस्ट, मस्ट मतलब कुछ और होता है। तो देख सकते हैं आप यहां पर ये और ये दोनों मिल रहा है, और यहां पर मोर और मोर दोनों मिल रहा है। तो ये आपको बताया जा चुकी है, बस मोर और मोस्ट लगा देना है। ये कॉम्पेरेटिव होता है, ये सुपरलेटिव होता है, और अगर केयरफुली को कॉम्पेरेटिव बनाना है तो उसके पीछे हम लगा देंगे मोर जो कि कॉम्पेरेटिव डिग्री में होता है, और उसको सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पीछे हम लगा देंगे मोस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आता है। अब उसके बाद मच के बाद वे जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्या है, विल। तो विल का जो है गुड, ठीक है, यही वाला एकदम सेम है, बेटर है, बेटर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद बेस्ट है, बेस्ट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कुछ ऐसे भी हैं, ये होगा इनका जो कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, मतलब सबसे हट कर होता है, सबसे अलग होता है। तो आज हम लोग को हो गया एक्सरसाइज 31 समाप्त, जिस चैप्टर का नाम था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और आई होप कि आपको एक्सरसाइज 31 समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कुछ मतलब दिक्कत आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कराना।